हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये ब्लॉग मैं शाम से शुरुआत कर रही हूँ। और ये फ्रिज में आम पड़ा हुआ था, तो एक दिन में लाई थी आम, तो आम पन्ना बनाई, चटनी बनाई, उसके बाद ये बच गया था। तो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मतलब बहुत दिन, 7-8 दिन हो गए थे, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है ऊपर का, बट नीचे का अच्छा है। तो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा आम नहीं खाया जाता है, कच्चा आम तो बहुत कम लाती हूँ, वही यूज होते रहता होते रहते। तो इससे मैं सोची आम की लौंजी बना देती हूँ, ये थोड़ा मीठा रहेगा तो सबको पसंद आ जाएगा। तो इसकी वजह से एक ही आम बच रहा था, तो इसकी लौंजी मैं बना रही हूँ। और ये जो है वो हमारे यहाँ दो तरह से बनता है। एक तो इसमें आटा डाल के बनता है, जो कि आम का गुरम्मा कहते हैं, वो मुझे नहीं आता है। और इससे हम लोग आम की लौंजी या फिर आम की चटनी कह लीजिए, सब्जी कह लीजिए, जो भी है, खट्टा मीठा सा बहुत टेस्टी बनता है। तो इसे खट्टा मीठा चटनी ही कह लेते हैं। और इसमें मैं डाली हूँ सौंफ, और उसके बाद जीरा डाली हूँ, मेथी डाली हूँ, और अजवाइन और कलौंजी भी डाली हूँ। तो ये सारे चीज़ का इसमें तड़का मैं लगाई हूँ। और इसमें पूरा वही मसाला जाता है जो आप अचार वाला में डालना चाहेंगे, तो वही डाला जाता है। और यहाँ पे आप चाहें तो मिर्ची का तड़का भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाई क्योंकि मुझे मिर्ची पाउडर इसमें डालना है। और अगर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो मेरे घर में बहुत कम ही लोग खाएंगे, मतलब सिर्फ मैं ही खाऊंगी और कोई खास उतना नहीं कोई खाएगा। इसकी वजह से मैं यहाँ पे मिर्ची नहीं डाली हूँ। और उसके बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल कर और वही फ्राई कर ली हूँ। तो थोड़ा देर, मतलब 2 से 3 मिनट तक ऐसे चलाएंगे क्योंकि थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, तो पानी डाल दी हूँ ताकि आम जो है वो हमारा अच्छे से पक जाए। इसकी वजह से फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक, जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें, तो काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद फिर मैं जीरा पाउडर डाली हूँ, वाइट नमक डाली हूँ, और उसके बाद मैं डाली हूँ काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, यही सब डलता है। तो यही सब डाली हूँ मैं इसमें, और ये बहुत टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है ना कि मत पूछिए। बहुत अच्छा पराठे और आपकी लौंजी, या फिर रोटी और आपकी लौंजी, ऐसे खा सकते हैं। तो एक तरफ जो है वो मैं खाना चढ़ा दी हूँ क्योंकि रात का टाइम है, तो खाना मतलब बन गया है और सिर्फ यही बनना बाकी था। तो अभी लोग तक खाए नहीं है। और यहाँ पे कार्तिक को ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था मैथ्स में, तो पापा से पूछ रहा है। और जब कार्तिक ऐसे बैठता है पढ़ने के लिए, तो बाबू भी बैठ जाता है और इसे नंगू पंगू अक्सर ऐसा भी पहन पहना हुआ है। लेकिन क्या होता है कि गर्मी में इसे बहुत गर्मी लगती है, तो अक्सर ये कपड़ा खोल लेता है। हालांकि एसी चलता है लेकिन 24 आवर तो नहीं ना चल सकता है, जब ज़रूरत होती है तो सोते सोने समय, या तो ज़्यादातर ये जैसे सूसु करने जाता है तो नंग पंगू ही बहुत टाइम पहन लेता है। लेकिन अभी यहाँ पे ये भी पढ़ने में अपना बीजी है क्योंकि कार्तिक को देखता है, तो कार्तिक के पीछे पीछे ये भी लगा रहता है। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो लेट करके और मसाज कर रहे हैं फुट मसाजर से, तो इनका दोनों काम हो रहा है। और यहाँ पे मेरा किचन में लॉन्जी बन रहा है आपका, क्योंकि खाना तो रोटी सब्जी जो बनना था वो बन गया है और ये बाकी बचा हुआ था। तो अभी कोई भी इतना जल्दी नहीं खाने वाला है क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा मतलब लेट से खाते हैं, जैसे 9:30 बजे तक खा लेते हैं। लेकिन सर्दी में होता है कि हम लोग 9:30 बजे तक बेड पे आ जाते हैं, मतलब 8:30 तक हार्डली खा लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें डाल दिए हैं गुड़, तो गुड़ अपने हिसाब के अनुसार डाल सकते हैं, चाहे तो मतलब ये आम के खट्टा आम मीठा होने के टेस्ट पे, क्योंकि कोई कोई आम जो होता है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और कोई कोई आम थोड़ा कम खट्टा होता है। तो ये वाला आम थोड़ा कम खट्टा था, तो मैं उतना ही डाली जितना कि आम था, उतना लगभग मैं गुड़ डाली हूँ, मतलब एक आम था तो एक आम के लगभग में, तो ये बराबर हो गया था मेरा। लेकिन अगर आम ज़्यादा खट्टे हो तो फिर ये जो है गुड़ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और उसके बाद इसे मैं पकने के लिए ढक करके छोड़ दी।
तो थोड़ा देर में तो आम सॉफ्ट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से मैं इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट होने दी, और थोड़ा पानी ज़्यादा था तो आराम से पक रहा था, तो मैं पकने के लिए भी छोड़ दी और चलाते रही हूँ। थोड़ा सा छुलनी कह लीजिए या पलटा, हम लोग तो छुलनी कहते हैं, तो छुलनी से थोड़ा सा ऐसे दबा दबा करके तोड़ते जा रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा अच्छा, मतलब कि ग्रेवी जो रहेगा ना वो थोड़ा थिक हो जाएगा और खट्टा मीठा उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो बस हमारी आम की लौंजी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और कोई भी खट्टी चीज़ बनाइए ना तो आयरन का जो कढ़ाई होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है ना कि मत पूछिए। तो देखिए हमारी आयरन की कढ़ाई जो है वो एकदम सुंदर सी होके निकली है, चमचमाती हुई, मुस्कुराती हुई, यही कह सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा देर हम इसे कोई भी चीज़ को, जैसे खट्टी चीज़ हुई कोई भी, तो आयरन की कढ़ाई में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो उसमें ना आयरन का थोड़ा टेस्ट आने लगता है और इसकी वजह से सब्जी का टेस्ट हेलो थोड़ा फ्रेंड्स, खराब होने वेलकम टू माय लगता है। चैनल स्टडी विद कार्तिक। टुडे वी विल स्टडी मैथ्स एक्सपोनेंट्स। आज हम लोग एक्सपोनेंट में क्वेश्चन सॉल्व, और यहाँ पे कार्तिक का चल रहा है रिकॉर्डिंग, और मेरा कार्तिक जो है वो क्लास 7 में है, और ये जो है जो स्कूल में इसका होते रहता है वही चीज़ ये बोर्ड पे पढ़ा देता है, तो इसके लिए रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में भी आने लगती है। क्योंकि जो चीज़ हम लोग जैसे समझाना रहता है दूसरे को, तो उसके लिए अपने पहले समझना पड़ता है, तो वो चीज़ परफेक्ट हो जाता है। जो हम लोग दूसरे के लिए करते हैं समझाने के लिए पढ़ाने के लिए, वो चीज़ पहले अपने से जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तब तक मतलब दूसरे को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से कार्तिक जो है मतलब डेली एक वीडियो अपलोड करता है। तो अगर आपने अभी तक इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद कार्तिक बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहता है। और यहाँ पे मेरा आम कलौंजी जो है बन गया है, और बाबू को मैं थोड़ा सा चटाई तो उसको अच्छा लगा, तो अब वो आ गया है किचन में। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।